स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया का त्यौहार हम कब मनाएं। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हम अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाते हैं और इस बार 10 मई दिन शुक्रवार को पड़ा है। उस दिन सुबह 4:17 पे इसकी शुरुआत हो जा रही है और 11 मई को 2:50 पे इसका समापन होगा। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन अभूज मुहूर्त होता है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग दिखाए कर सकते हैं। इस दिन हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि महर्षि जमदग्नी और माता रेणुका देवी के घर पे आज ही के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम की भी पूजा अर्चना की जाती है। और आज ही के दिन बद्रीनाथ की कपाट भी खुलती है और वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन पूरे साल भर में अक्षय तृतीया के दिन ही कराई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, जैसे शादी विवाह गृह प्रवेश और फ्लैट प्लॉट मकान वाहन कुछ भी खरीदना हो तो आज के दिन आप बिना पंचांग दिखाए खरीद सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। आज के दिन किया हो गया हर शुभ कार्य 13 गुना बढ़ोतरी होता है, उसका 13 गुना फल हमें मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन के दान पुण्य का भी काफ़ी महत्व होता है। ऐसे तो पूरे बैसाख माह में अगर आप जल का दान करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है। और बैसाख मास में आप मिट्टी के कलश से भरा जल दान देना बहुत ही शुभ होता है। ककड़ी खीरा भी आप दान में दे सकते हैं। और आज के दिन आपको खरीदारी भी जरूर करनी चाहिए। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप सोने चांदी के आभूषण खरीदें, और अगर वो नहीं खरीद सकते हैं तो हल्दी जौ धान ये सब भी खरीद कर अपने घर में जरूर लाए, काफ़ी शुभ होता है। और आज के दिन एक अखंड ज्योत जरूर जलाए। अखंड ज्योत जलना भी भगवान के पास काफ़ी आप हमारे घर परिवार के लिए अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए नमस्ते।